हम पे जबरन वो एक फैसला थोपा था और हिंदुस्तान की एक गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो खिलवाड़ किया था वो उसका गम अभी उसका जख्म अभी हमसे मतलब भरा ही नहीं था। तो आज एक ये दूसरा जख्म इन्होंने दिया जिसपे इन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं ये इनको ये इंक्लूड कर रहे हैं जो यहाँ के लोकल वोटर्स हैं भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं अपील करूँगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से, चाहे वो किसी भी खित्ता से हैं, खित्ता पीर पंचाल से हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, चनाब वैली से हैं, कि वो इस पे सामने आए और हम ये नामंजूर करते हैं, हमें ये मंजूर नहीं है कि बाहर के वोटर्स हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह पंडे को भी बुलाई गई और एक छोटी एक कोर कमेटी की मीटिंग आज इस वक्त भी जम्मू में और कश्मीर में हो रही है और हम उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और हम यहाँ से PAGD के साथ इंशाल्लाह जो वहाँ से फैसला होगा हम उनका तावन करेंगे और उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। शाना बशाना चलेंगे। जिस दिन ये पुरअमन अवाम जम्मू कश्मीर की सड़कों पे निकली ना, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आप जम्मू कश्मीर की अवाम के कदमों में पड़ेंगे, माफी मांगेंगे अपनी गलतियों की, लेकिन उस दिन जम्मू कश्मीर की अवाम आपको माफ नहीं करेगी। और आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आप देख रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस में कितनी तादाद में यहाँ पे नौजवान इकट्ठे हुए हैं। और फिर अगला जो हमारा प्रोटेस्ट होगा वो हम गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि हमारे हकूक पे डाका ना डाला जाए, वरना हम यहां से दिल्ली की तरफ पैदल मार्च करेंगे। जम्मू कश्मीर की बहनें, माएं, बुजुर्ग, नौजवान, तुलबा, तालिबात, और एक दिन ऐसा भी आएगा प्राइम मिनिस्टर साहब कि जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजम भी नौकरियां छोड़ के आपके ऑफिस की तरफ कूच करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंदर रैना जिस तरह कहा करते थे कि अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 पार करेगी, क्या उसी के हवाले से इस तरीके की खलबली जो है दोबारा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे मंसूबा बंद साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया है। 5 अगस्त 2019 को जो किया था वो भी बड़े तरीके से और बहुत पहले से, ये कोई आज की साजिश नहीं है, ये सालों की साजिश है। और ये जो जम्मू कश्मीर की साजिश है ये भारतीय जनता पार्टी तो फ्रंट पे है, इसके बैक पे RSS है, सारी पॉलिसी RSS की है और भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिसीज को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर रही है गैर आइनी तरीके के साथ। हमें कोई एतराज़ नहीं था अगर जम्मू कश्मीर की असम्बली होती उसमें अगर आप आर्टिकल 370-35A और हमारी रियासत का दर्जा छीनते तो एक बात बनती थी। जम्मू कश्मीर में असम्बली है ही नहीं और यही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, उसका आर्टिकल 3 क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपको किसी जिला का, तहसील का, रियासत का नाम भी अगर चेंज करना है आपको वो जो एप्लीकेशन है वो असेंबली में मूव करनी है और अगर असेंबली उसको पास करती है तो आप किसी जगह का नाम तब्दील कर सकते हैं। और आपने जगह का तो नहीं, आपने रियासत को UT बना दिया, रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, स्पेशल स्टेटस छीन लिया और असेंबली है ही नहीं और बोलते हैं ये गैर आइनी नहीं है, ये हमने कानून के दायरे में रह करके किया है। आज जो इलेक्शन कमिश्नर है जम्मू में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको तो 3-4 लाख रुपए अपनी सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसको कुछ देते होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि आप 25 लाख बाहर के लोगों को यहाँ पे। हमें हिंदुस्तान के लोगों से नफरत थोड़ी है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी पंजाब में वोट डालते देखा आपने? हमारा वोट कभी बिहार में देखा सुना आपने कि हम यहाँ से बिहार में जाएंगे वहाँ वोट डालेंगे डिसाइड करेंगे बिहार की सीतापुरी का कौन सा MLA बनेगा और आप बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में आकर के हमारा MLA चुनेंगे? तो ये हमें मंजूर नहीं है। हम आने वाले टाइम में बड़ा इनकलाब लाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया।